subscribe Zee Hindustan and hit the bell icon to never miss any update. आज से दो दिन के नेपाल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, धार्मिक सांस्कृतिक महत्व का होगा पीएम का इस बार का नेपाल दौरा। सुबह करीब 10:15 बजे नेपाल पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का तीसरा नेपाल दौरा, सबसे पहले नेपाल के जनकपुर पहुंचेंगे मोदी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली खुद पीएम मोदी का करेंगे स्वागत। नेपाल में पीएम मोदी जनकपुर से अयोध्या तक एक बस सेवा की शुरुआत करेंगे। रामायण सर्किट टूरिस्ट योजना को भी मिलेगी हरी झंडी। नेपाल के जनकपुर में पीएम मोदी का किया जाएगा नागरिक अभिनंदन। समारोह को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम की सभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जनकपुर में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई। करीब 11,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। खास बात यह है कि मनांग के अन्नपूर्णा ट्रैकिंग रूट को सुरक्षा कारणों से 3 दिन के लिए बंद किया गया। जनकपुर के बाद पीएम मोदी आज दोपहर 2 बजे काठमांडू पहुंचेंगे, जहां उनका पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और उपराष्ट्रपति नंद किशोर पुन और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वी नेपाल के सुखवा सभा जिला में पनबिजली योजना अरुण तीन की रखेंगे आधारशिला। भारतीय कंपनी सतलज जल विद्युत निगम तैयार करेगी प्रोजेक्ट। 900 मेगावाट की इस परियोजना पर भारत करीब 1.5 अरब डॉलर यानी 10,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगा और ये 5 साल में तैयार होगी। बिहार के रक्सौल को रेल नेटवर्क के जरिए काठमांडू से जोड़ा जाएगा। भारत नेपाल के बीच होगा समझौता। शनिवार को पीएम मोदी नेपाल के मशहूर तीर्थस्थल मुक्तिधाम नाथ धाम भी जाएंगे। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में भी करेंगे दर्शन। उन्नाव रेप केस में सीबीआई ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे आरोपों की पुष्टि की। सेंगर पर महिला ने लगाए थे रेप के आरोप। सीबीआई का दावा, महिला के आरोप सही। नौकरी का झांसा देकर शशि सिंह पीड़ित को ले गई थी विधायक के घर। पिछले साल 4 जून को बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसका रेप किया था। पीड़िता ने 11 जून को सेंगर के अलावा 3 युवकों पर भी गैंगरेप का आरोप लगाया था। एसयूवी गाड़ी में अगवा कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का था आरोप। सीबीआई ने आरोपों की पुष्टि की। उन्नाव गैंगरेप केस में सीबीआई कर रही है स्थानीय पुलिस की भूमिका की जांच। पीड़ित के पिता की मौत के मामले में कई अहम कड़ियां जुड़ी। बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, शशि सिंह और अन्य आरोपियों को सीबीआई ने 13 से 14 अप्रैल को ही गिरफ्तार किया था। आतंकी संगठन आईसिस के निशाने पर थे पीएम नरेंद्र मोदी। स्नाइपर राइफल से पीएम की हत्या की रची गई थी खौफनाक साजिश। गुजरात एटीएस की चार्जशीट में चौंकाने वाला खुलासा। आईएसआईएस के इशारे पर पीएम मोदी की हत्या की योजना बना रहा था उबैद मिर्जा। 10 सितंबर 2016 की सुबह 11:28 पर हत्या का प्लान था। स्नाइपर राइफल से हत्या करने की साजिश का खुलासा। पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचने वाले 2 संदिग्धों उबैद मिर्जा और कासिम टिम्बरवाला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुजरात एटीएस ने दोनों के मोबाइल और पेन ड्राइव से हासिल किए कई संदिग्ध मैसेज। उबैद मिर्जा पेशे से वकील है, वहीं कासिम टिम्बरवाला लैब टेक्नीशियन। एटीएस ने दोनों को 25 अक्टूबर 2017 को अंकलेश्वर से अरेस्ट किया था। एटीएस के मुताबिक कासिम ने गिरफ्तारी से 21 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। कासिम जमैका भागने की तैयारी में था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सीतापुर दौरा। आदमखोर कुत्तों से प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। लोगों की जानेंगे हालचाल। सीतापुर में आवारा कुत्तों ने 12 बच्चों की ली थी जान। जिला प्रशासन ने जिले के सभी प्रभावित गांव में बच्चों और जानवरों की सुरक्षा के लिए टीमें बनाई। यूपी के शाहजहांपुर में सिलेंडर में ब्लास्ट, हादसे में 8 लोगों के झुलसने की खबर। 3 महिलाओं की हालत नाजुक। भागवत कथा के दौरान फटा सिलेंडर। थाना अल्लाहगंज के रामपुर गांव में हो रहा था कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के सागर में नाबालिग छात्रा से रेप। रेप के बाद आरोपी ने छात्रा को जिंदा जलाया, लड़की ने दम तोड़ा।
झारखंड के जमशेदपुर में खाकी फिर हुई शर्मसार। डिमना चौक पर शराब के नशे में धुत एएसआई ने किया जमकर हंगामा। यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या। सिर पर भारी चीज से हमला कर बदमाशों ने किया कत्ल। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र इलाके में अकेले रहती थी 70 साल की बुजुर्ग महिला शारदा। कातिलों की तलाश में पुलिस जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में चोरों का कोहराम। सरकारी दफ्तरों को निशाना बना रहे हैं चोर। फिरोजाबाद की तहसील टुंडला में एसडीएम, तहसीलदार और सीओ कार्यालय समेत कई कार्यालयों के चोरों ने चटकाए ताले। जरूरी कागजात और पेन ड्राइव ले उड़े चोर। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अस्पतालों की शर्मनाक तस्वीर कैमरे में कैद। बदायूं जिला अस्पताल बना जुए का अड्डा। अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में चल रहा था जुआ। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 3 लोगों को धर दबोचा। अस्पताल का एक कर्मचारी भी गिरफ्तार। हरियाणा के सिरसा में गुरुद्वारे में 3.5 लाख रुपए का पंखा लगाया गया। ओंडाखंड के गुरुद्वारे में लगाया गया है पंखा। ऊना गांव के गुरुद्वारे में लगा 80 किलो का ये पंखा अमेरिका से मंगवाया गया। इस पंखे की खासियत यह है कि इसके ब्लेड 12 फीट लंबे हैं। इन ब्लेड्स को नासा के वैज्ञानिकों ने डिजाइन किया है। हरियाणा में पहली बार लगे इस किस्म के पंखे से 40 फीट के दायरे में गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं को ठंडी हवा मिलेगी। पंखा लगने के बाद गांव के लोग काफी खुश हैं। यूपी के इलाहाबाद में बेखौफ बदमाशों का कोहराम। कर्नलगंज इलाके में वकील की गोली मारकर हत्या। 3 दिन में लगातार 3री हत्या। हत्या के विरोध में नाराज वकीलों ने इलाहाबाद कोर्ट में की आगजनी। बस में लगाई आग, परिवार के लिए मांगा मुआवजा। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के बागपत में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। 3 साल पहले हुई थी शादी। परिवार ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। जांच जारी। यूपी के बरेली में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात। मुंह बोले भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर किया। नाबालिग से गैंग रेप। 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के संभल में जमीनी रंजिश में किसान की हत्या। घर में सो रहे किसान को मारी गोली। पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली में 8 लाख के नकली नोट के साथ एक गिरफ्तार। सभी नोट 2000 के गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार। दिल्ली में 3 इनामी बदमाश गिरफ्तार। फिरौती के मामले में थे वांटेड। गिरफ्तारी पर 1,50,000 का इनाम था। दिल्ली में एंटी करप्शन यूनिट ने सीएम केजरीवाल के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। पीडब्ल्यूडी घोटाले को लेकर विजय बंसल को पकड़ा। कोर्ट ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पंजाब के मोगा में बीए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश पेपर में नकल को लेकर विवाद। 2 छात्र भिड़े। गोली लगने से 1 छात्र जख्मी। केस दर्ज। पंजाब के होशियारपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने स्कूल के बच्चों को रौंदा। 1 की मौके पर मौत। 2 की हालत नाजुक। अस्पताल में इलाज जारी। अहमदाबाद में जेल के कैदियों को मिली बड़ी सौगात। कैदियों के लिए शुरू किया गया रेडियो स्टेशन। खास बात यह है कि इस रेडियो स्टेशन को कैदी खुद मिलाकर चलाते हैं। धरती के बेहद करीब तक पहुंचा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। कल रात देश के कई हिस्सों में लोगों ने टेलीस्कोप के जरिए ग्रह को देखा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने तक देखा इस ग्रह का नजारा। यूपी के सुल्तानपुर में बच्चों गरीब बच्चों के लिए वरदान बनी एक ट्रस्ट। श्रीनिवास ट्रस्ट खूनहार बच्चों की कर रही है मदद। गरीब बच्चों की पढ़ाई से लेकर खाने पीने रहने तक का पूरा खर्च उठा रही है। श्रीनिवास ट्रस्ट को समाज शास्त्र के प्रोफेसर एमपी सिंह चलाते हैं। अपनी कोशिशों के जरिए बेसहारा बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहता है ट्रस्ट। गुजरात के सूरत में 740 छात्रों ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक साथ रंग बिरंगे झाड़ू के साथ किया सामूहिक डांस। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल।
श्रीनगर में एनसीसी ने आयोजित किया एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। गुजरात और जम्मू कश्मीर के एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक और बड़ा आतंकी हमला। दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ और पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी पर की फायरिंग। हमले के बाद आतंकी फरार।